सूरज कंप्यूटर्स में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक एचपी का लैपटॉप आया है। इसका मॉडल है एचपी इलाइट बुक 840। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब भी हम इसको ऑन करते हैं तो ये ऑटो रिस्टार्ट हो जाता है, मतलब डाउन होकर फिर अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है। ऐसी प्रॉब्लम मदरबोर्ड से हो सकती है और इसमें सर्विस की प्रॉब्लम से ऐसा हो सकता है कि इसको सर्विस कराने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सूरज कंप्यूटर ऐसे सारी प्रॉब्लम्स में लैपटॉप को रिपेयर करता है। आपके लैपटॉप में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप सूरज कंप्यूटर को, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस लैपटॉप को खोलते कैसे। देख सकते हैं कि मैंने इसका कवर हटा दिया है। उसके बाद हम इसकी सबसे पहले बैटरी हटाएंगे। उसके लिए हमने बैटरी हटा दी। अब उसके बाद हम इसकी हार्ड डिस्क हटाते हैं। तो ये बोल देना तो हम इसे खोल के रिपेयर करेंगे। और अगर आपको भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें नीचे कमेंट करें और किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए सूरज कंप्यूटर से आप पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह की प्रॉब्लम